गुड मॉर्निंग बच्चों, सात लेसन हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगला लेसन है हमारा संस्कृत का टकराव। सातवें लेसन की जो क्वेश्चन आंसर की जो चर्चा है वो हम क्लास में करेंगे। अगला लेसन देखते हैं आठवां, संस्कृत का टकराव, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से हमारी 15वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक किस प्रकार से हमारी संस्कृत में बीच टकराव हुआ, किस किस तरीके से यहाँ से चीज़ें आई, यहाँ से गई, किस प्रकार से बाहरी लोगों ने अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ जाकर के किस प्रकार से उन लोगों ने अपना काम किया, इस प्रकार की सारी जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे आठवें लेसन में, जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोपवासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, सातवें लेसन में यूरोपवासी जो थे काफी किस प्रकार से अंग्रेजों के संपर्क में आए और रोम जो लोग थे और इंग्लैंड में जो लोग थे वो किस प्रकार से ईसाई धर्म और चर्च और बड़े धर्माधिकारियों के साथ मिलकर किस प्रकार जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हीं का सारा स्वरूप हमें देखने को मिला था। और ये सारे यूरोपवासी धीरे धीरे अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में जब गए, दूसरे देशों की जब संस्कृतियों के संपर्क में आए तो किस प्रकार से वहां जाकर के उन्होंने अत्याचार किए, किस प्रकार से वहाँ के मूल निवासियों के साथ उन्होंने संघर्ष किया और उन सारे पहलुओं पर उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जो उनके मूल रूप से थे ही नहीं। देखेंगे इस अवधि में यूरोपवासियों ने अनेक देशों में व्यापारिक भागों की खोज की। खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए जहाँ से वो चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, अंग्रेजों ने यूरोपवासियों ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप को धनवान बनाने के लिए किस प्रकार से दूसरे देशों की यात्राएं करनी शुरू की थी और इस प्रकार से दूसरे देशों की यात्राओं के करने के साथ साथ उन्हें बहुत सारी अनेक प्रकार की नई नई जानकारियां भी मिल रही थी। ऐसी सारी चीजों के अंदर जब वो दूसरे देशों में पहुंचे तो उन्होंने वहां से चांदी और मसाले जो उस समय की बहुत ही मूल्यवान वस्तु थी उसको उन्होंने वहां से लेना शुरू कर दिया। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया था। ये जो चांदी और मसाले जो प्राप्त करने की जो बात थी, ये जो अभियान जो था चांदी और मसाला प्राप्त करना, वो सबसे पहले यूरोपवासियों में शुरू किया था पुर्तगाल के लोगों। इन्होंने जब समुद्र यात्राएं की या दूसरे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त की, वहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ से लेना शुरू कर दिया। और ऐसी सारी चीज़ों में दो प्रमुख चीज़ें आती हैं, एक तो है मसाले और दूसरी है चांदी। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार भी प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। अब जब ये चांदी और मसाले जब उनको जानकारी मिली, यहाँ से उन्होंने सामान लेना शुरू कर दिया, तो अब उनकी जो अभिलाषा थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने यूरोप में जो पोप और जो ईसाई धर्म के जो धर्माधिकारी जो थे, जो शासन चलाते थे, ऐसे सारे बड़े धर्माधिकारी और शासन करने वाले लोगों से उन्होंने वो सारे अधिकार भी प्राप्त कर लिए जिसके माध्यम से वहाँ पर शासन कर सकते थे। ये सारे अधिकार प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति की जो चीज़ें थी, जैसे चांदी और मसाले जैसे अन्य और भी वस्तुओं को प्राप्त करना शुरू कर दिया था। स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें उसने इंडीज भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांतों में पढ़ रखा था समझा। दूसरा देश का नाम है स्पेन। स्पेन के शासकों में एक व्यक्ति था जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी समुद्री यात्राओं के माध्यम से 1492 में यात्रा की और इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक जगह पर
एक जगह पर पहुंचे जिसने उन्हें नाम दिया इंडीज। जिस जगह पर 1492 में पहुंचे थे समुद्री यात्रा करते करते, उस जगह को उन्होंने इंडीज नाम दिया। ये भारत को भारत के पूर्व में स्थित देश थे जिसके बारे में उन्होंने मार्को पोलो से पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली थी। कहने का तात्पर्य है कि जब मार्को पोलो समुद्री यात्रा पर निकले थे तो उससे पहले ही उन्होंने इसने कोलंबस ने मार्को पोलो के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उन जानकारियों को पहले से ही पढ़ लिया था, पहले से ही समझ लिया था यात्रा करने से पूर्व ही। और जब वो 1492 में यात्रा करते करते जहाँ स्थान पर पहुंचे उन्होंने उस स्थान को इंडीज नाम दिया, जो कि भारत और भारत के पूर्व में स्थित देशों को संबोधित करता है। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया की इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृति के लोग थे और वे जहाँ रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। जब बाद में खोज शुरू हुई कोलंबस के बाद में मार्को पोलो के बाद में जैसे जैसे अभियान समय बीतता गया और नई प्रकार की यात्राएं आरंभ हुई तो उन यात्राओं के बाद में पता चला कि कोलंबस जिस स्थान पर पहुंचा था, जिस स्थान को उन्होंने समुद्री यात्रा करके इंडीज नाम दिया था, वो कोई अन्य देश है और वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। और इस तरीके से जब ये जानकारी लोगों के सामने आई तो उस स्थान को नया नाम दिया गया जिसको नई दुनिया के नाम से संबोधित किया गया और वहां की संस्कृति एशिया की संस्कृति से काफी भिन्न थी। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृति के लोग थे। अब जब वहां जाकर के लोगों ने देखा तो वो जो देश था जहां पर कोलंबस ने यात्रा की थी, जिसको नई दुनिया का नाम दिया गया था, जो एशिया का एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था, वहां जब जानकारी जाकर के लोगों ने देखा तो वहां दो प्रकार की संस्कृतियों का नजारा देखने को मिला। दो संस्कृतियां हमें नजर आई, एक तो उत्तरी अमेरिका में और दूसरी दक्षिणी अमेरिका में। इस प्रकार की दोनों संस्कृतियों में से एक और तो कैरेबियन क्षेत्र और ब्राजील में छोटी दीवार व्यवस्था थी। जो एक संस्कृति थी जो मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें एक जगह तो थी आपके ब्राजील और कैरेबियन क्षेत्र में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था। छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पर जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था से, जो अपने जीवन को आगे चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं जो प्राप्त थी, जो हमारे शरीर के लिए हमें जिंदा रहने के लिए जो मूल चीजें चाहिए उनसे संबंधित अर्थव्यवस्थाएं वहां पर मौजूद थी, जो कि खासतौर से कैरेबियन क्षेत्र और ब्राजील में थी। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। अब जब दूसरी संस्कृति की बात करें, दूसरी व्यवस्था की बात करें, तो वो थी आपकी राजनीतिक व्यवस्था जहां पर विकसित खेती और खनन के माध्यम से जो अन्य गतिविधियां संचालित हो रही थी उन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर राजतांत्रिक व्यवस्थाएं मौजूद थी। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में एजटेक और माया समुदाय के लोग रहते थे।